अभी माशाल्लाह से सुबह सुबह के लिए हमने उड़ाने के लिए 4 पिजन को बाहर निकाल लिए हैं, और अभी देखते हैं कि साइडों से कोई उड़ते हैं तो फिर हम भी इनको पल्ला देते हैं, उड़ाते हैं इंशाल्लाह। अभी माशाल्लाह से शहजादे 4 बाहर है, 5वां एक पट्ठा है उसको भी उड़ाना है, अभी उसको नया नया ना उसको टेम कर रहे हैं, अभी इनको उड़ाने लगे हैं। माशाल्लाह से उड़ पड़े हैं। चलो भाई अभी बैठना नहीं है। मड़ा कैसे हो तुम लोग? अभी कोई और नहीं उड़े ना, सुबह सुबह इनको थोड़ा सा उड़ाना मुश्किल होगा। उड़ पड़े उड़ पड़े उड़ पड़े। अभी उड़ पड़े हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई साहब उड़ पड़े दो बराबर से माशाल्लाह। अभी मैं आपको 5 मिनट दिखाता हूँ कि अभी इनकी क्या सिचुएशन है। अभी माशाल्लाह से पिजन ऊपर चले गए हैं सारे के सारे। ये देखिए माशाल्लाह से कुछ बिल्कुल ऊपर निकल गए, कुछ नीचे खड़े हुए, मतलब पांचों के पांचों माशाल्लाह से। लेकिन आज हवा बहुत ज़्यादा ना इनको तंग कर रही है थोड़ा सा। ये देखिए माशाल्लाह से अभी सारे ऊपर गए। अभी नर्सरी पे आए थे, कुछ पौधे वगैरह चाहिए थे, पौधे वगैरह लेने के लिए, तो देखते हैं कि क्या पसंद आता है। असल में मुझे चाहिए थी बेल, कुछ घर में यूज़ करनी थी, एक छोटा सा सेटअप पे दिलदार, कुछ नया करने के लिए। जैसे नर्सरी पे आए हुए थे माशाल्लाह से, नर्सरी ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा पौधे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन जो हमें चाहिए हम देख रहे हैं कि अल्लाह करे हमें मिल जाए तो पॉसिबल है, कि देखते हैं क्या सीन बनता है। बहरहाल माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पौधे, मज़े के पौधे हैं यहाँ पे, इस तरह के भी हम ले सकते हैं। असल में मुझे एक दीवार बनानी है, उसके लिए मुझे चाहिए थे, तो मैं इस वजह से देख रहा हूँ कि कौन से ठीक रहेंगे, जो यहाँ पे मौसम वगैरह भी बर्दाश्त करें, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो इस वजह से उसको भी देखना है। बहरहाल देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या पसंद आता है। इनका बहुत लंबा सा सेटअप है माशाल्लाह से। अभी यहाँ पे सारे इंडोर प्लांट वगैरह, जल्दी से देखते हैं, कोई अल्लाह करे हमें कुछ पसंद आ जाए फिर लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ। माशाल्लाह यहाँ पे जितने भी पौधे हैं इनके पास गारंटी वाले हैं। अभी देखें यहाँ पे, ये अभी आलू बुखारे पे फल लगा हुआ है, लदे पड़े हैं माशाल्लाह से। ये देखें सामने, ये मेरे ख्याल में टूट गया है बीच में से, यहाँ में से ये यहाँ से टूटा है। बाकी यहाँ पे हैं तो बहुत सारे, और हमें भी कुछ इस तरह के चाहिए, तो देखते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह फूल देखें, कितने प्यारे प्यारे फूल पड़े हुए हैं। हेलो से खैरियत से उम्मीद आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ। हमने जिस तरह पहले देखा है कि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, मैं गया था कुछ काम के सिलसिले में, और फिर ये वो करते करते शाम को ही घर वापस हुआ। शाम को घर वापस हुआ तो लाइट नहीं थी, तो वीडियो वगैरह कल नहीं बना सका, जितनी बनाई थी वो मैंने आपको पहले दिखा दी है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि कल मैं जिस तरह मैंने आपको दिखाया था नर्सरी में मैं गया था, तो नर्सरी में मैंने क्या क्या देखा था, क्या क्या लिया था, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और सेटअप की अपडेट वगैरह जो अभी है वो भी आपको इंशाल्लाह भी दिखाता हूँ। सेटअप की माशाल्लाह कुछ अपडेट है कि इस टाइम यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ये भी मेरे शहजादे ठीक हैं, पता नहीं क्यों शोर मचाया, वही क्यों शोर मचाया। और ओवरऑल यहाँ पे भी सब के सब ठीक है, जितने छोटे चूजे वगैरह हैं ठीक है, और डॉग भी माशाल्लाह सारे ठीक हैं। और मियावालियन गैंग ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक ठीक है। मुर्गियाँ मैंने नहीं चेक किया, तो आज जाके इंशाल्लाह वो भी चेक करते हैं कि क्या मुर्गी कितने एग पड़े हुए हैं, और मुर्गी एग पड़े हुए हैं तो ठीक भी हैं, या फिर वही इशू बना हुआ है पुराने वाला, ये अंडे खा रही है, तो बाकी तो ओवरऑल ठीक है। अब मैं जब कल गया था नर्सरी पे, तो पहले तो मेरा दिल था कि काफ़ी सारी और चीज़ें लेने का, लेकिन जगह की मुनासबत से फिर मैंने सिर्फ कुछ ही पौधे लिए थे। एक सामने लगा हुआ है, और वो भी सिर्फ फूलों के लिए, फैंस मतलब फूल वगैरह लग जाए चलो सेटअप प्यारा हो जाएगा। ये सिर्फ एक बेल लगाई है मैंने ताकि ये सेटअप के ऊपर चढ़ जाए तो ये सेटअप अच्छा हो रहे। और इस तरह के कुछ और गमले थे, लेकिन वो मैं उधर रखा है इंशाल्लाह, वो कुछ दिन तक जाऊंगा तो फिर ले आऊँगा। और बाकी माशाल्लाह से कुछ यहाँ पे थे
जो इस साइड पे मुझे एक दीवार सी कंप्लीट करनी थी, तो इस वजह से कुछ मैंने पौधे और बेलें इस साइड पे लगा दिए। केज के साथ भी एक लगाई ताकि केज के ऊपर चढ़ जाए और केज सही रहे। कल पर्दा लगाया था लेकिन ये देखें कोई वो पता नहीं क्या सीन बना है, ये सारा का सारा ख़राब हो गया, ऊपर चला गया, तो इसको भी नीचे उतारना है सही से। अभी उसका भी कुछ करते हैं कि क्या सीन बना हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल ठीक है। कालों का दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ, पता नहीं अब कालों के बच्चे कब निकलने हैं। मुझे मेरे ख्याल में आज 15वां दिन इसको है कालों को ना, इंशाल्लाह इसके बाद अभी इसके बच्चे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप सामने मुझे कमेंट करके बताना है जब इस सेटअप भी न्यू इंट्री कौन सी करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू इंट्री होने वाली है, शायद आज हो जाए कल हो जाए। इस तरह की और सी माशा बहुत सारी न्यू इंट्रियाँ हैं जो मैंने ऑर्डर की हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता से आएंगी। लेकिन देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सी गुड न्यूज़ मिलती है, कौन सा ऑर्डर मिलता है, कौन सा सरप्राइज़ हमें मिलता है। अभी मौसम माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, आज सुबह पिजन नहीं उड़ाए, अभी बैठे हुए हैं क्योंकि अभी किसी ने नहीं उड़ाए थे और आज हमने काम शाम ज़्यादा थे तो हमने कहा कि फिर इनका ध्यान कौन रखेगा, जिस वजह से आज कोई पिजन नहीं उड़ा हुआ। पड़ोसी में आज कोई नहीं उड़ाया। माशाल्लाह से जो खुबानी हम ले आए थे ना ये भी ठीक है, प्रॉपर से खड़ी हुई है। और ये अंगूर वाला पौधा भी, अभी हमारे घर में यहाँ पे जगह नहीं बची, बस थोड़ी सी बैठने की जगह बची हुई है, बाकी सारे हमने पौधे वगैरह फिर यहाँ पे सारे पौधे लगा दिए। और यहाँ पे भी कुछ फूलों वाले गमले पड़े हुए हैं, ये उस साइड पर लेके जाने हैं। लेकिन रीज़न ये है कि इनको ना बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं मुर्गियाँ, इस वजह से ना मैं नहीं लेके गया। ये भी सारे फूलों वाले हैं माशाल्लाह से, ये देखें और ये देखें, इस टाइम पे रूलिया तो माशाल्लाह से लदा पड़ा है फूलों से, इतना प्यारा है माशाल्लाह से। लेकिन इश्यू ये है कि मुर्गियाँ इसको ख़राब करती हैं। और यहाँ पे गुलाब वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे भी इस तरह से कुछ ये देखें ख़राब होके आए पड़े हैं गमले, तो इस वजह से ना इनको इसी साइड में रखा हुआ है। बाकी अभी इंशाल्लाह जल्द मैं कुछ और सोच रहा हूँ सेटअप के बारे में, अगर इंशाल्लाह किस्मत ने साथ दिया तो उस तरह से अभी इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँगा। तो अभी तो सफाई वगैरह भी वैसे रही बड़ी है क्योंकि डेली बेस कोई ना कोई काम, तो अभी मुझे फिर से एक काम निकलना है, तो हो सकता है कि मैं लेट ही हो जाऊँ, पता नहीं कब वापसी हो फिर। तो मैंने कहा कि जल्दी से आपका बेड वगैरह दिखा दूँ, इनको बाहर निकाल देते हैं और सामने जाके मुझे एग चेक कर देते हैं। मियाँ वाली ने इनको खोले और देख के पूरे घर में इनको दौड़े लगाई थी। अभी अंदर चलते हैं और आप सब्र करो भाई साहब, मेल देखें कितना शोर मचा रहे हैं, सिर्फ क्या कि इसके बच्चे यहाँ पे बड़े हुए हैं। बच्चे 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 बच्चे, ये देखें मेल आ गया। सॉरी भाई सॉरी 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 सॉरी, मैंने मजाक किया था। हाँ जी तो कैसे हैं आप, इस बार कौन सा आपने कारनामा किया है? एक मिनट हमें कंप्लीट करने दें। दो चार ये पूरे बड़े हुए हैं, तो इस बार भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह भी 10 एग पूरे पड़े हैं। तो पहले पता नहीं इसने क्यों तोड़ के खाए थे या क्यों तोड़े थे वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह से एग पूरे पड़े हुए हैं। तो इसको इधर बैठने देते हैं, मुर्गे सील को निकाल लें, लेकिन दरवाज़ा पहले मैं बंद कर लूँ, ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाए, इसका भी इशू रहता है ना फिर ये लड़ाई करते बाहर जा कर। तो पहले दरवाज़ा दे देते हम, इसको इधर ही निकाल लें। तो चले भाई साहब ये निकल गया बाहर, आपने वही नहीं आना भाई साहब, इधर ही रहे आप। अब इसके लिए या तो बिल्कुल ब्लैक, पहले हमारे पास ब्लैक तो है लेकिन एक जो मेरा दिल कर रहा है ना, या बिल्कुल डार्क ब्लैक, या फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे हमें पॉसिबल कौन सी फीमेल अच्छी सी मिलती है, या बिल्कुल वाइट, दोनों में से लानी है कोई। अभी बाहर चलते हैं और फाइनली अभी पिजन भी उड़ने लगे हैं, बस अभी फिर से पिजन आज सुबह सुबह उठ जाएंगे माशाल्लाह से। आज तो नहीं पहुँचवा किधर गया, चार तो इस साइड में है। और कल इनकी हमने जाली दोबारा से फिक्स कर दी थी, तो ये देखें जाली हमने बहुत ऊपर करके लगा दी थी, कल हमने ऊपर फिक्स की थी क्योंकि पिजन का बैठने का थोड़ा सा इशू था नीचे, तो ऊपर सुकून से ये बैठ सकते हैं। अभी बाकी सारे उड़ चुके हैं कहीं गए हुए माशाल्लाह से हमारी गए, देखिए बहुत शरीफ है। और शेर दिल कैसे हो आप, माशाल्लाह से शेर दिल भी अब बहुत अच्छा हो गया है। शेर दिल
बस कभी कभी ये कि थोड़ी थोड़ी लड़ाई कर देता है, नहीं बुरे काम नहीं करने, कपड़े खाता है भाई साहब भूखा इंसान। अभी चूहे यहाँ पे सारे घूम रहे हैं लेकिन मुझे इनके ट्रस्ट नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे पहले बहुत ज़्यादा पौधे ख़राब किए। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि ये वाले पौधे भी सारे ये ख़राब कर दें। तो अभी सीन कुछ यूँ है कि अभी मुझे काम शाम तो है काफ़ी सारे, वो भी करने हैं, तो हो सकता है मैं आज घर फिर ना आऊँ फिर निकल जाऊँ। तो अभी कुछ दिन है इसी तरह से मुश्किल, इंशाल्लाह उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल फिट हो जाऊँगा, फ्री हो जाऊँगा। अभी ये वाले जो दिन चल रहे हैं ना यहाँ पे इसी तरह इशू होते हैं, क्योंकि इंसान के ये होते हैं कि फसलें वगैरह आ जाती हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है, इस तरह से ना काफ़ी डिस्टर्बेंस चली रहती है। तो इंशाल्लाह अनकरीब आपको गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ होगी इंशाल्लाह। सेटअप पे आपको सेटअप पे बहुत सारी नई चीज़ें इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी फाइनली इनका मैंने ऊपर जो है पर्दा वगैरह वो फिक्स कर दिया है। उसका रीज़न ये था ना कि धूप सीधे ऊपर से आती थी ना तो गर्मी अंदर जाती थी। अभी ये है कि इतनी तो बचत हो जाएगी कि 4-5 फीट ये तकरीबन ये 7-8 फीट का था, तो अभी माशाल्लाह से अच्छी खासी यहाँ पे माहौल फिट रहेगा। ये देखें हाँ जी, तो यहाँ पे भी ठंड रहेगी। अभी माशाल्लाह से फिंचेस का माहौल बिल्कुल ठीक है, अंदर बच्चे थे और लड़ाइयाँ चल रही हैं अभी तक, क्या पता क्या सीन है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह देखेंगे, ओवरऑल तो माशाल्लाह यहाँ पर माहौल बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ मुझे दीजिए ज़्यादा दुआ में याद रखेगा, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।